नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बालू की किल्लत एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि पहले बिहार में बालू बंद, फिर अवैध खनन पर रोक, फिर बालू पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों से बालू विक्रेताओं के सिर पर पहाड़ सा टूट गया था। साथ ही बालू की किल्लत के कारण घर बनाने वालों पर भी महंगाई की मार पड़ी थी। हालांकि अब बिहार में अगले कुछ सालों तक बालू की दिक्कत नहीं होगी, यानी कि अब बिहार सरकार बिहार में आने वाले समय में बालू की किल्लत ना हो, इसका खास ख्याल रखने वाली है। इसको लेकर ही सरकार 84 अहम घाटों की पर्यावरण मंजूरी की अवधि विस्तार की तैयारी कर रही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बालू की किल्लत में अहम वजह पर्यावरण मंजूरी का न मिलना है। इसी को लेकर हाल ही में हुई बैठक में इसकी अनुशंसा कर दी गई है। यानी कि एक बात तो तय है कि आने वाले कुछ सालों तक बिहार में बालू घाटों की नीलामी में दिक्कत नहीं आने वाली है। इस कारण बालू की किल्लत की आशंका भी कम है। वहीं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने शर्तों के साथ ही इसकी अनुशंसा कर दी है। आगे पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। पर्यावरण मंजूरी की अवधि विस्तार से कुछ सालों के लिए बालू घाटों की नीलामी में दिक्कत भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या दूसरी अदालतों में पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामलों का सामना करने की आशंका भी कम होने वाली है। वर्तमान समय की बात करें तो बालू की किल्लत को लेकर कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रदेश में बालू घाटों की नीलामी हो रही है। इसीलिए भी आगामी नीलामी से पहले राज्य सरकार के अधिकारी सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरी कर लेने के फिराक में है, जिससे कोई अड़चन नहीं आए। पर्यावरण मंजूरी की अवधि विस्तार के लिए चुने गए सभी 84 बालू घाट राज्य की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा करने का काम करते हैं। पहले इनका डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार किया गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर किन किन बालू घाटों का पर्यावरण मंजूरी अवधि विस्तार मिला है, तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना जिले में रागनिया, डीह, बहादुरगंज, जरखा, महाबलीपुर, रामपुर, वाइना, महुआर, देवदाहा, मसाढ़ी, पाभेरा, सतपरसा, टिकुल, रूपापुर, आनंदपुर, रानी तालाब, खिरोधारपुर, रानीपुर, चकमिकी, आदमपुर, सिकंदरपुर, समनपुरा, अरवल जिला में छपरा, सोहसा, छपरा, खैरा, मगलापुर, मसदपुर, सोनभद्र, गया जिले में सादीपुर, तिनेरी, पोचाकंड, बिहटो शारद, किंदुआ, परेबा, पारुहारा, रामचौरा, खिसारी, लारपुर, मारनपुर, बांका जिले में लखनौरी, रनगांव, दामोहन, खचमचिया, गोविंदपुर, खुदबदी, सबलपुर, पेर, बरोधा, चौरा, सहोरा, मजली मथानी, गोधा बहियार, बघौनिया, सारम और गोदिया, पटवे भोरवा, मालदौन, मझायारा, जितवारपुर, बिशनपुर। पश्चिम चंपारण जिला की बात करें तो यहाँ बैरिया, बैजुआ, अल्फा, बेलवा, बिनाकी खैरा, परसौनी, नारायणपुर, धनहा, मछा, चिनवलिया, डुमरी, बलूही खैरा, खैरा। वैशाली जिला की बात करें तो यहाँ हरौली, चंद्रालय, हटारो, वहीं औरंगाबाद जिला में परैया, जहानाबाद जिला में सुल्तानपुर, बक्सर जिला में मौजा, खोरमपुर, वहीं लखीसराय जिला में सूरजगढ़ा का नाम भी शामिल है। इन सभी घाटों को अब पर्यावरण मंजूरी अवधि विस्तार मिल गया है, जिसके बाद अब यही उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से बालू की हो रही किल्लत से अब लोगों को निजात मिलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।